केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 20 जुलाई को झारखंड दौरे पर रांची आ रहे हैं। रांची के प्रभात तारा मैदान में, जिसे अब जगन्नाथ मैदान के नाम से भी जाना जाता है, उसी मैदान में अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच होंगे। यानी कह सकते हैं रांची में सजेगी बीजेपी के शाह की विरोधियों को मात देने वाली पाठशाला। मिलेगा मंत्र झारखंड में डबल इंजन की सरकार वाला। अमित शाह के इस दौरे को भारतीय जनता पार्टी के लिए आधिकारिक तौर पर विधानसभा चुनाव की तैयारी का आगाज माना जा रहा है। दरअसल 20 जुलाई को झारखंड बीजेपी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में पूरे राज्य से भारतीय जनता पार्टी के लगभग 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता शामिल होने जा रहे हैं। झारखंड बीजेपी के नेताओं की माने तो अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के काफी जमीनी नेता हैं, जो कार्यकर्ताओं की नब्ज को समझते हैं और उसके अनुरूप काम करते हैं। रांची पहुंचे आसाम के सीएम और झारखंड बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा ने दो टूक कहा, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनानी है। जो सरकार वर्तमान में चल रही है उसकी जगह डबल इंजन की सरकार बनाना है। साथ ही कहते हैं झारखंड बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच रिचार्ज होने आता हूं। सरकार बनाना है भाई झारखंड में, झारखंड में बरिया से बीजेपी का सरकार बनाना है। ये जो राज चल रहे है ना, इसका जगह में बीजेपी का डबल इंजन सरकार आना है। अच्छा है, जीत जाएगा, बहुत अच्छा। मैं कोई रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से तो मैं रिसर्च होने आया हूँ। लोकसभा में इतना बढ़िया रिजल्ट किया है तो इसीलिए यहाँ आने से, झारखंड आने से मैं थोड़ा खुद रिसर्च हो जाता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के देश के सर्वोच्च नेता है और काफी जमीनी नेता है, जमीन में काफी संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कोई राहुल गांधी नहीं है, गांधी परिवार के नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता के स्तर से काम करते करते, बूथ में काम करते करते आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष दो बार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप वर्तमान में गृह मंत्री हैं। उनके अनुभवों का फायदा झारखंड के आने वाले रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, इसलिए कार्यकर्ता बहुत उत्साह है कि आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे राज्य में आ रहे हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए वो काफी आतुर हैं, काफी इच्छुक हैं। और हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने वाले हैं। बड़े नेताओं का आना कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देता है, एक नई ऊर्जा आ जाती है कि भाई हमारे बड़े लीडर आ रहे हैं, वो कुछ हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमसे भी वो कुछ जानना चाह रहे हैं। तो ये आदरणीय अमित शाह जी का आना झारखंड के लिए बहुत सुखद यह है। और झारखंड में जिस तरह से, झारखंड प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है लोकसभा के चुनाव में, तो उसे निश्चित रूप से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित होंगे। और जिन जहाँ जहाँ और कार्यकर्ता, जहाँ हम लोगों ने सीट को लूज़ किया, वहाँ के कार्यकर्ताओं में भी अब एक अलग तरह का उत्साह आ गया है कि भाई आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये हमारे कार्यकर्ताओं में ये एक मैसेज आ गया है, वो लोग उत्साहित है। और आदरणीय अमित शाह जी आएंगे तो निश्चित रूप से वो उत्साह और दुगना होगा, कार्यकर्ताओं में कार्य करने का उत्साह और दुगना होगा। अमित शाह जी के आने से निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा, उत्साह भरेगा। और जो एक लोकसभा चुनाव के बाद जो एक हम लोगों का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव में भी हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, और उस लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ गए हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं क्षेत्र में। और जब प्रत्यक्ष हम अमित शाह जी को सुनेंगे, माननीय अमित शाह जी के निर्देश में भारतीय जनता पार्टी का उत्साह और बढ़ेगा। और लोग, जो हमारा लक्ष्य है कि 50 से 55 से ज़्यादा सीट जीत करके हम मजबूत सरकार एनडीए की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाएं और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से इस राज्य की जनता को निजात दिलाएं।
झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, चुनाव में महज कुछ महीने बचे हैं, ऐसे में अमित शाह के सियासी दौरे पर विरोधियों की भी नजर है। सत्ताधारी दल भी अमित शाह के दौरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रहा। सत्ताधारी दल की माने तो बीजेपी के पास सिर्फ हल है, पूरी खेत तो विरोधियों के पास है। वे लोग 365 दिन चुनावी एजेंडे और चुनावी मोड में रहते हैं, पर चुनाव जीतने की रणनीति के बजाय दिल जीतने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के लोग करते हैं। सूबे के सत्ताधारी दल के नेता यही नहीं रुके, उन्होंने कहा झारखंड में बीजेपी की स्थिति आज बहुत कमजोर है, उन्हें आभास है जनता गुस्से में है, उनको अगर लगता है कुछ प्रलोभन देकर अपनी स्थिति सुधार लेंगे तो वो गलत फहमी में है। जो बताया उन लोग 2400 घंटे 365 दिन चुनावी एजेंडे में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं, हमेशा चुनाव कैसे जीता जाए, और हम इस काम में करते हैं कि जनता का दिल कैसे जीता जाए, जनता को कैसे हक अधिकार मिले, विकास की योजनाएं कैसे ग्राम गांवों तक पहुंचे, अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचे, हम इस पर फोकस करते हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाते हैं और ये चुनावी हथकंडे अपनाते हैं। अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि कभी कभी मैं बोलता हूँ कि नाउ द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स इज नॉट कमिटमेंट, इट इज अ डर्टी मैनेजमेंट। सो माई नेचर कल्चर वर्क ऑफ पैटर्न लिविंग थिंकिंग थॉट ऑल इज सोशल, तो सोशल होना चाहिए या लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक होना चाहिए तो अपने राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, हम भी उनको नहीं समझते, हम भी चाहते हैं कि भगवान बिरसा की इस पवित्र धरती में, शहीद निर्मल महतो की इस पवित्र धरती में, दिशम गुरु की कर्म स्थली में हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो हमको भी अपना दुश्मन ना समझे, ये समझे कि हम दोनों जो है एक ही मैदान में दोनों खिलाड़ी हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा, उनको भी मौका चाहिए हमको भी, हम तो तैयार हैं। देखिए उनका दुकानदारी करने का तरीका अलग है, ठीक है, हम लोग का अलग है, वो अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, हम लोग अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, उनके तैयारी में हमको नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं। झारखंड में अभी गुरुजी और हेमंत बाबू, कोई दूसरा और आ जाएगा कुछ होने वाला नहीं। 10,000 कार्यकर्ता को बुला के कितनों, अरे देखिए कहावत है देहात में, हल आप घर में बनाए, जोतिएगा खेत रहेगा तब ना, तो खेत तो हम लोग का है, खेत उसके पास है का, और हम लोग बहुत मजबूत तरीके से सरकार भी चला रहे हैं, इलेक्शन भी बहुत मजबूत तरीके से लड़ेंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। इसके बाद कौन आएगा, खट्टर साहब आएंगे, मोहन भागवत जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे ही, जब इलेक्शन है तो आएंगे। देखिए अमित शाह जी आ रहे हैं, उसके पहले व्यापम घोटाले के एक आरोपी आए, एक शारदा घोटाले के आरोपी आए, मोहन भागवत आ रहे हैं, सभी लोग आएंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय भी आएंगे, बहुत सारे प्रयास इन लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि इनकी स्थिति कमजोर है झारखंड में, इनको आभास है कि तमाम झारखंडी आवाम आज गुस्से में है, हमारे नेता हेमंत सोरेन के साथ जो बर्ताव केंद्र की सरकार ने बीजेपी ने किया उससे आक्रोशित हैं, तो उनको लगता है कि हम जाकर कुछ बैठकें करके कुछ और प्रलोभन देके हम वहाँ की स्थिति सुधार लेंगे, तो वो गलत फहमी में है। आने वाले समय में हेमंत सोरेन जी के पक्ष में और मजबूत गोलबंदी दिखेगी जनता के, जो जन समर्थन है, तमाम वर्ग के लोग, तमाम धर्म, तमाम जाति के लोग, बस झारखंडी अस्मिता के लिए। तो ये फीडबैक उनको है, ये तैयारी, ये कवायद, ये मेहनत जो कर रहे हैं उसी के लिए दिखता है, लेकिन अंजाम कुछ नहीं है निश्चित। पिछले बार का जो परफॉर्मेंस था इन लोगों का उससे पुअर परफॉर्मेंस रहेगा, ये मैं आपको बताऊं। झारखंड बीजेपी के नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर उत्साहित हैं। 20 जुलाई को रांची के प्रभात तारा मैदान में अमित शाह की पाठशाला में कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र के साथ साथ चुनाव जीतने के गुण भी सिखाए जाएंगे, पर विरोधी फिलहाल शाह के इस सियासी दौरे को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। तभी तो कहते हैं हमारे पास हेमंत सोरेन है और पूरी खेत भी है,
जब उनके पास खेत ही नहीं तो हल कहां चलाएंगे।